नैब कानून में रियायत देने का मतलब इमरान खान की 24 साल जिद्दोजहद पर पानी फेरना होगा। 18वीं तरमीम पर अचानक बहस बिला जवाज नहीं, दर हकीकत पीटीआई की वसीउ बुनियाद तरजीहात का हिस्सा है। सारी बहस का मकसद मुखालफीन को उलझाए रखना और सियासी मकासद का हसूल है। सीनियर तजिया कार शाहीन सोहबाई का अहम हकूमती शख्सियात के हवाले से दावा, मजीद कहा कि हकूमत आइंदा 6 से 8 माह में अपोजिशन की तरफ से कोई समझौता या मुजाहमत नहीं चाहती। अपोजिशन को नैब कानून का लॉलीपॉप देने से साल गुजर जाएगा, सैनेट में भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। टाइगर फोर्स से इमरान खान अवाम, ताजिर, बिल्डर्स को खुश कर चुके होंगे और मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। इस खबर की मजीद तफसीलात रोजनामा 92 और बलूचिस्तान टाइम्स पर भी पढ़ी जा सकती हैं। नैब कानून में रियायत देने का मतलब इमरान खान की 24 साल जिद्दोजहद पर पानी फेरना होगा। 18वीं तरमीम पर अचानक बहस बिला जवाज नहीं, दर हकीकत पीटीआई की वसीउल बुनियाद तरजीहात का हिस्सा है। सारी बहस का मकसद मुखालफीन को उलझाए रखना और सियासी मकासद का हुसूल है। सीनियर तजिया कार शाहीन सोहबाई का अहम हकूमती शख्सियात के हवाले से दावा।